Good morning everyone. How are you all? I hope that you are doing study at home and we have already done with this estimation question कि किसी भी addition को अगर estimate number में convert करना है तो कैसे करेंगे और फिर उसका real sum निकालना है तो कैसे करेंगे. Okay? अब यहाँ पे इस lesson में एक last question बाकी है जो आपको मैं करना सिखा देती हूँ. ये भी आपको notebook के अंदर करना है, यहाँ पर नहीं करना है. एंड वन मोर थिंग, जब मैंने आपकी नोटबुक चेक की थी, जो क्वेश्चन नोटबुक में करने का बोला है वो नोटबुक में करोगे, जो क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में करने का बोला है वो टेक्स्ट बुक के अंदर ही करोगे. ओके, सो नाउ दिस क्वेश्चन हाउ विल यू डू. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसे लिखना है, फिर उसको प्लस करना है और फिर जो आंसर आता है वो यहाँ पे फिल करना है. तो आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली नोटबुक में कर सकते हो. ये क्वेश्चन नोटबुक में लिख देना, नीचे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन करके प्लस कर देना और प्लस का जो आंसर आए वो यहाँ पे आपकी नोटबुक के अंदर जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स बना रखी है वहां पे फिल कर देना. ओके, सो दिस क्वेश्चन इज एज योर होमवर्क एंड यू विल डू एट योर होम. वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, सब्ट्रैक्शन. बिकॉज इट्स अ वेरी इजी चैप्टर. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यू हैव ऑलरेडी डन विद योर प्रीवियस क्लासेस, सो वी आर मूविंग ऑन क्वाइट लिटिल फास्ट. एक्सरसाइज 3.1, यहां पे हमको सब्ट्रैक्शन करना है, ओरली सब्ट्रैक्शन करना है डायरेक्टली. अब यहां पे देखिए 182,434, अगर इसमें से 10 माइनस करते हैं तो ये 10th प्लेस पे, मतलब 3 की जगह क्या हो जाएगा 2. तो ये आपको ये चीजें ओरली करना सीखनी है. जैसे कि अगर 10 है तो 10th प्लेस पे चेंज होगा तो यहां पर 3 की जगह क्या हो जाएगा 2. अब इसको अगर आप इस तरीके से करके देखेंगे हॉरिजॉन्टल वे में तो भी आंसर सेम आएगा, बट जस्ट आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल. 3 - 1 - 2, देन 4 - 2 - 8, देन 1. तो इस तरीके से आपको ये ओरली करना सीखना है. अब अगर किसी में से भी 0 माइनस करेंगे तो आंसर एज इट इज आएगा. यहां पे 100 माइनस करना है तो 100 का 1, मतलब यहां पे 100 प्लेस पे चेंज होगा. सो 8 - 2 - 4 की जगह आ जाएगा 3 - 3 - 4. सो दिस वन इज अवर आंसर. नाउ 10. अब यहाँ पे इस डिजिट में जैसे 10 माइनस करेंगे तो 1 जो है वो 10th प्लेस पे है, तो यहाँ पर भी ये जो 10th प्लेस पे 5 है उसमें चेंज आएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 7, 9, 5 की जगह हो जाएगा 4, then 3. इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे हमें 1000 माइनस करना है. 1000 माइनस करना है मीन्स 1000 वाली प्लेस पे चेंज होगा. सो हियर वी विल राइट 1, 7, 6 की जगह हो जाएगा 5, देन 1, 2, 4. इस तरीके से हम लोग ये जो जीरो वाले माइनस होते हैं ये सब्ट्रैक्शन हम लोग ओरली कर सकते हैं, इसके लिए हमें ये पूरा प्रोसेस करने की नीड नहीं रहती. सो इसी तरीके से आप ये सारे जो है वो खुद से करोगे और टेक्स्ट बुक के अंदर ही करोगे. अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, जो क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक के अंदर करने का बोलती हूँ वो टेक्स्ट बुक में करोगे, जो नोटबुक में करने का बोलती हूँ वो नोटबुक में करोगे. तो ये आपका टेक्स्ट बुक का होमवर्क है जो आप घर पे करोगे. Then, here is also subtraction. ये subtraction 5 digit के हैं, but it's very easy, so we can do ourselves. कैसे मैं आपको एक subtraction करके बताती हूँ. अब ये सारे borrow वाले हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखना है. 1 में से हमें 2 माइनस करना है. ऑब्वियसली 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो 7 की जगह हम लोग बोरो लेंगे 7 से. 7 की जगह हो जाएगा 6 और इसके आगे लग जाएगा 1. आप ये चीज कर सकते हो. जैसे कि आप लोगों को मैं और एक सिंपल एग्जांपल समझाती हूं. इस एग्जांपल के अंदर अगर हमको 1 में से 2 माइनस करना है नहीं हो सकता, तो 7 की जगह अगर हम लोग बोरो ले रहे हैं 6, तो यहां पे हम लोग करते हैं 10. अब हम क्या करते हैं, 10 + 1 = 11. 11 में से 2 माइनस करते हैं. तो अगर इसको थोड़ा सा इजी करना है तो ये जो 1 है आप डायरेक्टली इसके आगे लगा दो तो डिजिट बन जाएगा 11, और 11 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे 2. जब 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 9. अब 6 में से 9 माइनस करना है वो पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर 0 आ गया. 0 तो कुछ दे ही नहीं सकता, 0 से बोरो ले नहीं सकते. अब यहां पे आया 8, तो हम लोग बोरो किससे लेंगे 8 से, तो 8 के ऊपर हो जाएगा 7 और जो 1 यहां पे 0 है तो यहां पे आ जाएगा 9 और यहां पे आ जाएगा 1. हमेशा बेटा ये ध्यान रखो, अगर 0 को छोड़ के किसी और से बोरो लेते हैं
बोरो लेने के बाद अगर हम हमारे डिजिट पे वापस जा रहे हैं और बीच में जीरो आ रहा है तो नौ उसको भी मिलेंगे। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल आपको बताती हूँ, आप ये सब पढ़ के आए हो, फिर भी मैं आपको एक बार वापस से समझाती हूँ। जैसे कि अगर हमें 100 में से 99 माइनस करना है, जीरो में से 9 माइनस हो नहीं सकता, यहां जीरो है तो इससे बोरो ले नहीं सकते, वन से बोरो लेंगे तो वन के ऊपर आ जाएगा जीरो। अब जो हमारी सबसे पहली वाली डिजिट थी जिसके लिए हमें बोरो लेना था उसको तो 10 पूरे मिलेंगे, बट बीच में जितने जीरो आ रहे हैं उसको कितने मिलेंगे, 9। तो ये चीज आप लोग पहले भी सीख चुके हो। तो अब 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 और 0 का 0, इस तरीके से माइनस होता है। तो यहां पर 8 में से हमने बोरो लिया था 7, अब हमारी डिजिट जो थी उसको तो 10 पूरा मिल गया बट बीच वाली जीरो को मिलेगा 9। अब ये जो 16 है, 16 में से हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे फिंगर्स पे जब हम 16 लेंगे तो यहां तक तो 15 कंप्लीट होता है, ये आ जाता है 16। अब इसमें से हम लोग 9 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना बचा पीछे, 7। तो यहां पे हम लोग आंसर लिखेंगे 7। अब यहां पे 9 था, 9 में से हमें कितना माइनस करना है, 8, 9 में से 8 माइनस करने पे क्या आएगा, 1। अब यहां पे है 7, वापस वो की भी कंडीशन हो गई, 7 में से 9 माइनस हो नहीं सकता तो हम लोग 5 में से बोरो लेंगे, 5 के ऊपर लिख देंगे 4 और जो 10 हमको मिला उसका 1 हम यहां लगा देंगे तो हमारी न्यू डिजिट क्या बन गई, 17। अब 17 में से हम लोग 9 माइनस करेंगे तो 17 हमारे फिंगर्स में 17 करो, यहां तक आता है 17 क्योंकि ये 15 है पूरा, ये पूरा 15 है, ये है 16, ये है 17। अब 17 में से हम लोगों को कितना माइनस करना है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना बचेगा, 8। तो यहां पे हम लोग आंसर लिखेंगे 8 और 4 में से 4 गया 0। इस तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो बेटा बहुत ही ध्यान से करना है आपको और मैं आपको पहले कुछ सब्ट्रैक्शन आपकी नोटबुक में डालूंगी होमवर्क के लिए, ये आपको अभी नहीं करना है, ठीक है। कुछ सब्ट्रैक्शन मैं आपको एज अ होमवर्क डाल रही हूँ जो आपको नोटबुक में करना है, उसके बाद हम लोग ये वाले सब्ट्रैक्शन करेंगे, ओके। सो टिल दैट जस्ट फिल आउट दिस सब्ट्रैक्शन एंड ये वाले जो एडिशन है वो आप नोटबुक में कंप्लीट कर लोगे, ओके।